सो गाइस जल्दी से आ जाओ भाई, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड खाना। मैं तो भाई पहुंच चुका हूँ, मैंने जो है यहाँ पे आते ही खाना जो है खाना शुरू कर दिया। अगर आप भी खाना चाहते हो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अब मैं अपना ओपिनियन बता दूं। हाँ जी सर, ठीक है। तो गाइस मैं ना एक्चुअली पहले एक बार जा चुका हूँ चंडीगढ़ के अंदर खाना खाने के लिए। 149 रुपीज में मैंने जो है खाना खाया था बफे, ठीक है। ए भाई, अरे भाई, ए भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्या सीन चल रहे? अभी तो चला नहीं थी ना। ओह माय गॉड, दोनों एक साथ आ रहे थे तुम भाई, ये और ये एक साथ आ रहे थे गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है भाई दिन में ही शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों अभी रेडी लगे हैं। हमने जो है आज प्लान बनाया था। क्या प्लान बनाया था? हम कहाँ जा रहे हैं? बफे खाने के लिए जा रहे हैं भाई। हमने सोचा नहीं था कि हम भाई बफे खाने के लिए जाएंगे। अचानक से प्लान बना, दिन में हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और हमने सोचा कि क्यों ना यार 60 रुपए बाहर भी लगाने हैं, 100 रुपए में हम पेट भर भी अंत खाना खाएं भाई। मतलब ऑफर दे रखे थे कि 100 रुपए में सच में ऐसा होता है तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ 120 लेके आया हूँ, 20 रुपए एक्स्ट्रा ऐसे रख लिए। मैंने तो 100 रुपए लेके जाना था बट क्या करूँ, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा रख लिए, क्या भरोसा होता है भाई। तो वीडियो को बिना स्किप किए तक देखना, पेड़ पर खाना है, ठीक है। चैलेंज की बात आ जाएगी आज तो, जो जीतेगा पैसे नहीं देगा। ओ भाई, जो जीतेगा पैसे नहीं देगा भाई, ये बंदा बोल रहा है। तो देखते हैं, मैं तो भाई बैठा रगड़ दूंगा भाई, रगड़ दूंगा। तो गाइस अब जो हम रूम से निकल चुके हैं भाई, हमने जो है 1 बजे के टाइम पहुंचना है वहां, क्योंकि 12:30 के बाद बफे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से निकलते हैं भाई। और यहाँ पे सामने रही भाई हमारी बाइक, और ये स्कूटरी एक वो स्कूटरी है कि जोमेटो वाले का भाई बाइक खड़ी है। इसी बिल्डिंग में कहीं एक जोमेटो राइडर भी रहता है, ये लिंक राइडर है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 650 मीटर जो है अभी बचा हुआ है यहाँ पे है। ये देख लो आप, ये चौक है ना, यहाँ पे जो है बैणा का ढाबा है। तो भाई इस ढाबे पे जाके हमने खाना खाना है। तो यहाँ पे ये भी आ चुका है और यहाँ पे उसके भाई भी बैठा हुआ है। तो भाई हम तीनों के तीनों जो है अभी बैणा के ढाबे पे जा रहे हैं और देर देंगे खाना। क्या कर देंगे? देर देंगे भाई। ये सोच लो आपकी यहाँ तक भर के आना है भाई, एक बार मौका मिले कि हाँ वाकई में 100 रुपए में मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है। हवा जाने की जगह हो मुझे, बस जो जो भी मिलेगा ना भाई खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। और अगर आपने आना होगा तो भाई उसके बाद लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि टेस्ट कैसा था, सच में यार वो चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, और 100 रुपए में भाई कितना खाना खा सकते हैं हम। 100 रुपए में क्या हम 10,000 जितना खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना भाई, आज वही चीज़ करेंगे 100 रुपए में 10,000। तो गाइस यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर दी है और यहाँ पे जो है स्कूटर भी पार्क हो चुकी है दोनों के दोनों है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3v2 नहीं कौन सा है, 5 फेस है ना, ये 5 फेस। और यहाँ सामने रहा भाई बहना का डब्बा। गाइस यहाँ पे आप सामने देख लो भाई 99 बफे फुल। तो गाइस यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने जो है काउंटर लगाए हुए हैं अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, चावल जो भी है, मतलब रेसिपीज जो भी बनाया हुआ है इन्होंने खाना। 149 में थाली भी है। और यहाँ पे आप देख लो कि प्राइस 315, हमने 3 प्लेटें जो है कटवा ली थी तो भाई ने हमें 3 प्लेटें भी दे दी। यहाँ हमने बिलिंग कटवाने के बाद जो है भाई 3 प्लेटें मिली और तीनों ने जो है अपनी अपनी प्लेटें पकड़ ली और फिर उसके बाद अपना अपना खाना जो है हमने सर्व कर दिया। और खाने में देख लो, सबसे पहले हमने इतना कुछ जो है इन थालियों में भर रखा था और यहाँ जो है भाई सामने ब्लॉग शूट करने लगा, फिर मैंने बोला मेरे को भी ऐड कर ले बीच में। तो यहाँ पे पहली बाइट जाते हुए मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। पहली ही बाइट में स्वाद आ रहा था ज़बरदस्त वाला। तो भाई अभी तो स्टार्टिंग थी, तो सेकंड टाइम मैंने जो है कुछ फ्लेवर चेंज करे खाने के। तो यार सो गाइस हम जो है भाई, भाई भी आ चुका है अभी, ये भी आ चुका है और गाइस मैं भी आ चुका हूँ। हम तीनों जो है जहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं इस टाइम। और भाई सच बताओ, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा लगा, मतलब पेट भर खाया कि नहीं खाया? हाँ बता, तू बता पहले। सर एक नंबर खाना था, एक नंबर खाना था। और सफाई की बात करें तो बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। चल ठीक है, तू भी अब दो बातें बोल दे जल्दी से। दो बातें क्या चीज लगी तेरे को, कैसा लगा? ठीक है, ओके। ओके, टेस्ट एक नंबर है। चल फिर एक ना कहीं शांत सी जगह पे चलते हैं और फिर मैं आप दोनों को अपना ओपिनियन बताता हूँ, ठीक है? चल तो सब जो है भाई निकलने का वक्त आ चुका है, वो सामने ढाबा है और यहाँ से हम जो है अभी निकल रहे हैं। तो आगे जाके पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें जो है, मतलब कैसा लगा कैसा नहीं रहा। तो भाई भी आ चुका है, तो चलते हैं कहीं बढ़िया सी लोकेशन पे जाकर रुकते हैं पहले। तो
सो गाइस इन दोनों ने जो है अपना भाई ओपिनियन शेयर कर दिया है, मतलब इनको खाना कैसा लगा बैना के ढाबे का, कैसा नहीं लगा। तो अब बारी जो है भाई मेरी है, तो मैं इन दोनों को मतलब इन दोनों के सामने जो मैं रिवील करने वाला हूँ कि मुझे कैसा लगा खाना। सो गाइस अब मैं अपना ओपिनियन बता दूं। हां जी सर, ठीक है। तो गाइस मैं ना एक्चुअली पहले एक बार जा चुका हूँ चंडीगढ़ के अंदर खाना खाने के लिए। 149 रुपीज में मैंने जो है खाना खाया था बफे, ठीक है, बफे खाया था। बट मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा मतलब बाहर लिखा हुआ है 99 रुपीज, जबकि जब हमारी स्टार्टिंग में बिलिंग हुई तब इन्होंने जो है 105 रुपये पर बंदे से काटे, ठीक है। एक तो सबसे पहले यही मतलब एक किस्म का यार धक्का ही होता है कि बाहर आप 99 रुपीज लिख रहे हो, अंदर बिलिंग आप 105 रुपये की काट रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है भाई, आपको जो है मतलब खाना आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें जो है, सबसे कॉमन चीज़ होती है अगर आपको इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, आपको पेट भर खाना मिल रहा है, तो खाने में आपको जो है सलाद जो है हर जगह मिलता है भाई। हर ढाबे वाले आपको खीरा प्याज जरूर देते हैं खाने के लिए, देते कि नहीं देते। इतना बढ़िया इन्होंने बफे बना रखा है भाई, खीरा और प्याज का नामो निशान ही नहीं, सलाद का तो नामो निशान ही नहीं था। सबसे कॉमन चीज़ जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खाने के लिए वो होती है सलाद, ठीक है। तो सलाद तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ हरी मिर्चें रखी हुई थी। हरी मिर्चें क्या हमने ये करना पड़ेगा, चलो। तो मतलब आप खुद समझो कि वो क्या करना हमने। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप खाना खाते हो गाइस, तो खाना खाते टाइम हर बंदे को जो है प्यास लगती है, लगती है कि नहीं लगती भाई? लगती है ना गाइस, खाना खाते टाइम आपको प्यास लगेगी लगेगी। तो उसके लिए जो पानी है आपको अलग से बोतल लेनी पड़ेगी भाई, 20 रुपये की बोतल जो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर हम जैसे मान लो 3 बंदे हैं, तो हमारे लिए तो 2 बोतलें पता ही नहीं चलेगी पीते टाइम ना। 20 रुपये में कितनी छोटी सी तो बोतल मिलती है, तो 40 रुपये आप उसके अलग से ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो आप मान के चलो कि हमें जो है पर बंदे को 120 रुपये की थाली पड़ी है ना, 120 रुपये में पड़ी। और वो भी इतना ज़्यादा, अगर टेस्ट की मैं बात करूँ तो भाई पनीर मैंने 2-3 बार लिया, बट मेरे को पनीर मिल ही नहीं रहा था भाई, सच में बता रहा हूँ। जो मेन है भाई, सच है, जो सच है भाई, उसमें गाइस मतलब पनीर मिल ही नहीं रहा था, उसमें सिर्फ वो ग्रेवी और प्याज भाई मिले जा रहा था। मैं ढूंढूं पनीर, तो ये सोच लो आपकी 100 में से उन्होंने सिर्फ, अगर 100 पीस है ना छोटे छोटे, अगर 100 पीस की बात करें तो 100 पीस में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 या 20 पीस डाले हुए हैं, और वो भी पता नहीं किस किस कस्टमर के हिस्से में चले गए। मेरे पास तो भाई आया नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ग्रेवी और भाई मिलता रहा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 120 रुपये में यहाँ पर भी वो कर रहे हो, और ऊपर से कोई सिस्टम नहीं, कोई ज़्यादा मतलब फील वाली वो फील आती है ना, जो वो वाली फील नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इससे अच्छा आप 20-30 रुपये एक्स्ट्रा डाल के कहीं बढ़िया सी जगह जाओ, जहाँ पे आपको सलाद भी मिले, प्रॉपर पानी मिले, सब कुछ जो है आपको चीज़ें 149 रुपीज़ में। जैसे कि भाई मैं वहाँ पे गया था, अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ यार भाई मतलब आप जो बोल रहे हो बात की 149 में सच में इतना अच्छा सब कुछ मिलता है, भाई मैं गया था एक जगह, मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ जिसे कहते हैं ना, यहाँ से मेरे को खुशी हुई थी कि बाकी यार मैंने यहाँ पे कुछ खाया है, और 150 रुपये देते हुए ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कि इतना टेस्टी खाना और इतना साफ़ सुथरा। पनीर की अगर बात करूँ, वहाँ पे मेरे को अकेला अकेला पीस मिल रहा, यहाँ तो भाई पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो बस यही सीन थे, हमने बफे खा लिया, आपको दिखा दिया। और बाकी अगर कोई बंदा आना चाहता है फिर भी, तो भाई आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हम किसी को कुछ नहीं बोलते, सबका अलग अलग वो होता है। मुझे जो चीज़ें मतलब कम लगी मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर कर दी बातें। हमारा कोई ये नहीं है कि भाई हम किसी को डीमोटिवेट कर रहे हैं, किसी के ढाबे की बुराई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमने हमारे साथ फेस हुई है हमारे साथ में, वही चीज़ें जो है आपके साथ रिवील करी है मैंने। सही बात है कि नहीं भाई? सही बात है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे, हम किसी की रेटिंग नहीं कराना चाहते, कुछ नहीं कराना चाहते भाई। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 100 में से मैं उसको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 20% दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता इससे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत, बाय बाय बोल दो एक बार। बाय बाय। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ब्लॉग 149 वाले बफे का हो, तो भाई इस वीडियो पे जो है कम से कम 10,000 व्यूज आ जाए 1 महीने के अंदर, तो वो वाली वीडियो जो है मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बफे जाने के लिए पैसा भी लगेगा, पैसा पैसा पैसा।